हेलो दोस्तों, इतना तो आप घर पे खुद से कर ही सकते हैं, ठीक है। मात्र आपको क्या करना है, जैसे यूपीएस में अगर प्रॉब्लम आता है कि अगर आपका यूपीएस बिल्कुल बैकअप नहीं दे रहा है या फिर कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, देखिए मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है, सप्लाई मैंने लगा दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चार स्क्रू, ठीक है, पीछे चार स्क्रू जो दिए रहते हैं, इन चारों को रिमूव करना है। रिमूव कर लेने के बाद उसको ऊपर उठाना है ऐसे, ठीक है, चाहे किसी कंपनी का हो यूपीएस, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रू निकालना है, यहाँ से स्क्रू निकालना है। बैटरी देखिए स्पार्क कर रहा हूँ, थोड़ा भी स्पार्किंग नहीं है, आपके पास मीटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ये बैटरी को क्या करते हैं, ख़राब हो जाए बैटरी तो आप क्या करिए, इसको यहाँ से खोल के, ठीक है, खोल के मैंने एक वीडियो उसमें भी मैं दे दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताया था, इसको खोल के आप इसमें क्या करिए, एक बार डिस्टिल वाटर, जो घर में आपका डिस्टिल वाटर रहता है उसको डाल के, कहाँ डालना है मैं उसको भी बता देता हूँ, ठीक है, ये सब में सबको खोल के, ठीक है, यहाँ पे 2-2 ml 4-4 ml डिस्टिल वाटर डाल के देखिए, अगर हो जाता है बैटरी उतना से रिस्टोर तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको मार्केट से नया बैटरी लाना है, चाहे किसी कंपनी का हो, तो कोशिश करिए जितना बेहतर कंपनी का होगा उतना ही आपका बैकअप अच्छा आएगा, ठीक है। आपको ऐसे रख देना है, उसके बाद ये कैप हटा के रेड वाले में प्लस, ठीक है, और ब्लैक वाले में माइनस को लगा देना है, फिर सही ढंग से इसको वापस असेंबल कर देना है, ठीक है। इससे आपका जो बैकअप कम हो गया था वो भी वापस आ जाएगा, ठीक है, और जो आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था वो भी रिस्पॉन्स अब करने लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ रिस्पॉन्स करने लगा, ऑन ऑफ, ठीक है, ऑन हो गया, और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। देखिए अभी मैं यहाँ, देखिए आप, मैं सप्लाई लगाऊंगा तो यहाँ पर इंडिकेटर, ठीक है, लगा दिया गया, आपको रिले और साउंड से पता चल गया ये चार्ज होने लगा और हल्की सी लाइट भी मिल रही। तो आपको क्या करना है, सिर्फ खुद से, इतना तो आप खुद से घर पर कर ही सकते हैं, सिर्फ क्या करना है, बैटरी चेंज कर देना है, और मात्र इसमें स्क्रू ड्राइवर करना कुछ नहीं लगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह के जरूरी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।